तो आज बजट आ गया छत्तीसगढ़ सरकार का पहला। हमारे साथ गृह मंत्री और डिप्टी सीएम विजय शर्मा जी हैं। विजय जी, कैसे इस बजट को आप देख रहे हैं, खास तौर पर अपने डिपार्टमेंट से रिलेटेड? गृह विभाग से संदर्भित बजट में कहें तो पिछले बजट के बदले ये 16% अधिक इस बजट में प्रावधान किया गया है। इसमें नए नियुक्तियों का भी विषय है, नक्सल क्षेत्रों में नए अभियानों के लिए नए प्रावधान हैं, और विशेष रूप से आप कहेंगे तो ऑटोमाइजेशन के लिए भी 200 करोड़ से भी अधिक का प्रावधान रखा गया है। कुल मिलाकर गृह विभाग के लिए, या आप कहें तो लगभग डबल हुआ बजट है वो पंचायत और समाज कल्याण का है, तो उसमें भी पंचायत और ग्रामीण विकास का है, उसमें भी आप देखेंगे तो प्रधानमंत्री आवास के लिए पूरे 18 लाख आवास के लिए प्रावधान किया गया है। सभी विषयों को इस बजट में छुआ गया है। इस बजट में विशेष रूप से ये है कि बजट को एक साल के पैसे का लेखा जोखा नहीं माना गया है, इसको विजन माना गया है। इसको ये माना गया है कि आगामी आने वाले वर्षों में छत्तीसगढ़ कैसे उन्नति के मार्ग पर प्रशस्त हो, ये मानकर इस बजट को लाया गया है। महिलाओं के लिए भी काफ़ी सुरक्षा पे ध्यान रखा गया और बॉर्डर इलाकों में थाने खोलने की बात की। हाँ, नए थाने खुलने के हैं, नए साइबर थाने खुलने के हैं, महिला थाने खुलने के हैं, ऐसे बहुत सारे प्रावधान। नक्सल मोर्चा एक बड़ी चुनौती यहाँ पर है, उसको लेकर आपको क्या लग रहा है, बजट में जो आपकी उम्मीदें थी पूरी हुई? काफ़ी हद तक पूरी हुई हैं, और इस बात का आश्वासन भी माननीय मुख्यमंत्री से, माननीय वित्त मंत्री जी से है कि जैसे जैसे उस दिशा में हम आगे बढ़ेंगे, जो आवश्यकताएं होंगी वो फिर आगे पूरी की जाए। हमसे बात करने के लिए शुक्रिया। तो हमारे साथ डिप्टी सीएम विजय शर्मा जी थे, और उनका कहना है कि सुरक्षा पे खासा ध्यान रखा गया और पुलिसिंग, साइबर थाना, महिला सुरक्षा, इन जैसी चीज़ों पर काफ़ी फोकस है और वो काफ़ी हद तक संतुष्ट हैं इस बजट से। कैमरामैन इमरान के साथ अभिषेक शुक्ल, न्यूज़ 18 छत्तीसगढ़, रायपुर।